और थोड़ा और सर्व करो, और 1 घंटा, 2 घंटा में जाएंगे, 40 40 मिनट्स में खत्म करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ एक बात तो पढ़िए। प्रेरितों का काम 17 का 6, जिसको पहला मिलेगा जोर से पढ़िए। प्रेरितों का काम 17 का 6। उन्हें जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया। इसी पर उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलाका लेकर उन्हें छोड़ दिया। बस बस बस, ठीक है। तो 17 का 6 में लिखा है, जिन्होंने दुनिया को क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, वो यहाँ आ गया। जिन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया वो यहाँ आ गया। अभी कौन किसको कह रहा है, कौन किसको कह रहा है? ये आरोप लगाया विश्वासियों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के ऊपर ये एक आरोप है। जिन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया है वो यहाँ आया है। ब्रदर विनोद यहाँ बंगाल को उल्टा पुल्टा करने वाला है, तो ये एक अच्छा बात है या बुरा बात है? अच्छा बात है या बुरा बात है? जो बातें हमने पहले सेशन में हमने सुना कि दुनिया कैसा है, कितना भयंकर पापी है, हमने सुना ना। तो ब्रदर विनोद क्या कर रहा है, उसको अभी चिंता कर रहा है। दुनिया जो है उल्टा हो गया, और जो उल्टा है ना वो सोचता है ये सीधा है। तो ब्रदर विनोद आ रहा है वो, नहीं, ये ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा ऐसा करता था, ये आपका पापी जीवन है, ये अच्छा नहीं, खराब है, आप सुधर जाओ। जिन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया है वो यहाँ आया है। जो पास्टर लोग हैं, हाँ, ये एक अच्छा, दुनिया के नजर में हम बुरे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो उल्टा पुल्टा हम लोग सीधा कर रहे हैं। दुनिया जो है नरक की ओर जा रहा है। दुनिया कहता है कि सब धर्म एक ही है, कौन सा भी धर्म का रास्ता पकड़ो, लेकिन वो धर्म का रास्ता उल्टा है। कहाँ जा रहा है, स्वर्ग में नहीं, ऊपर नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हम लोग सीधा रास्ता बताने में जाए। तो क्या आप दुनिया को उल्टा पुल्टा करने के लिए तैयार हो, ये सवाल अभी आपके लिए है। दुनिया जो है उल्टा पुल्टा, आपने सुना कितना पाप से भरा हुआ है दुनिया, घर घर में शराबी, घर घर में व्यभिचारी, घर घर में पाप चल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहा है भाई, सुधर जाओ। और जब हम अच्छे बातें बोलते हैं कोई गुस्सा से निकल जाता है, तुमको पसंद नहीं है, वो सोचता है हम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। हम जहां पर हैं वहीं पर अच्छे हैं। वो सुअर और वो मेमना का कहानी सुना आपने, सुअर और मेमना का कहानी सुना? तो एक सुअर और मेमना दोनों दोस्त, जिगरी दोस्त। तो एक दिन सुअर मेमना फुटबॉल खेलने चले गए। फुटबॉल खेलते खेलते समय दोनों भी नंदे नाले में गिर गए, गंदे नाले में गिर गए। गंदा नाला में आपका पैखाना से जो खून बाहर आता है वो गंदे नाले में आ जाता है। बाप रे, मैं काम गया, बाप रे भयंकर जगह में गिर गया। तो वो बाहर आया, घर गया, नहा लिया, शैंपू लगा, पाउडर लगा, सेंट लगा, एकदम मस्त होकर, हाँ अभी मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने दोस्त को खोलने के लिए अपने घर गया, अरे वो कहाँ है मेरा सुबह दोस्त, कहाँ है, उस खोल रहा मिल रहा है। फिर मैदान में गया, वो वही कीचड़ में, वो गंदे नाले में वहीं पर पड़ा है। और उसको कह रहा है तू क्या करे, निकल ना वहां से। नहीं, मुझे यहीं पर मजा आ रहा है, मुझे यहीं पर मजा आ रहा है। अभी ये फर्क है एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में। हम लोग मिलते कभी कभी, मानते हैं, लेकिन हम वहीं पर फंसे रहेंगे क्या? नहीं,
जैसा ही हमको पता चला रे मैंने क्या कर दिया, ये हमसे विश्वासी से ये अपेक्षा नहीं है, लेकर जाओ आज उधर जाओ। लेकिन दुख की बात है, अविश्वासी लोग उसी गंदे नाले कीचड़ में फंसे हुए और हमको निकलना है। अभी प्रेरित होकर कहा था, पुस्तक का मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एक चर्च में, मैं सिखा रहा हूँ और अध्याय एक अध्याय दो अध्याय तीन अध्याय का अध्याय पढ़कर मैं वहां पर सिखा रहा हूँ। और जैसे मैं सिखा रहा हूँ खुद मैं सीख रहा हूँ। और ये पास्टर लोग आप लोग भी इस प्रकार से कितने जन यहाँ पास्टर हाथ ऊपर कीजिए, कितने जन पास्टर है? अच्छा बहुत अच्छा, तब आपको आशीष हो। तो बहुत बार पास्टर जब सिखाने जाते पास्टर खुद ही सीखता है कि नहीं? और ये बहुत जरूरी है, जब तक पास्टर खुद वचन में डूबता नहीं है तब तक वो दूसरों को सिखा नहीं सकते। और इसलिए उसमें वचन में डूबे रहना बहुत अच्छा है। और कभी कभी पढ़ने का अरे छोड़ ना, चलो कुछ काम करो घर में, कुछ बर्तन तो साफ करो, कर लेते आपके लिए काम। हाँ डांट छोटा पड़ता है उसका, बात में बोली सम्मान रखना पड़ता है, जिंदगी नहीं तो खाना नहीं मिलेगा आवाज में। हाँ ठीक है। तो पहले शताब्दी में प्रेरितों का काम में जब हम देख लिया, जब तक आखिरी शिष्य मर गया, आखिरी शिष्य मरना जो तो मर गया कौन था पता है आपको? पहला शिष्य याकूब था, हेरोद राजा ने वो 12वां अध्याय में हेरोद राजा ने याकूब जेम्स को उन्होंने गला काट दिया और पत्रस को भी वहां मारने का कोशिश किया, लेकिन पत्रस वहां से छूट कर भाग प्रभु उसको आजाद कर देता उस जेल से। तो याकूब पहला शिष्य था, आखिरी शिष्य कौन था मारने के लिए किसी को पता याद है? हालांकि बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन इतिहास से हम लोगों को पता चलता है आखिरी किताब बाइबल का आखिरी किताब कौन सा है? प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? वो यूहन्ना ने लिखा और यूहन्ना आखिरी शिष्य था मरने के लिए। ठीक है, पाटमोर नाम का एक द्वीप है, एक आइलैंड है, वहां पर वो मर गया। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, जब तक आखिरी शिष्य मरा दुनिया में कितना कलीसिया थे आप पता है? पहला किताब में पहले 40-50 साल में यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ, 40 दिन तक यीशु मसीह प्रचार किया और भी वे जिंदा हो करके वो उन्होंने अपना शिष्यों को दिखाया। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था कितने लोगों ने प्रभु को आसमान में जाते हुए देखा पता है? 500 लोग। हाँ पहला करंथ जिसका 11वां अध्याय में हम पढ़ते 500 लोगों ने यीशु मसीह को आकाश में देखते हुए अपने आंखों से उन्होंने देखा। ठीक है, और उस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले जाने के बाद 10 दिन बाद उनको क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, लेकिन उन्होंने बोला मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, एक सहायक को मैं भेजूंगा। वो सहायक कौन था? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जब उनके उनको मिला, जो सामर्थ्य उनको मिला, प्रेरितों का काम पहला थे 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने यरूशलेम से लेकर यहूदा समरिया और दुनिया के छोड़कर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, अगर बाइबल के अंदर नया नियम में नहीं, अगर हम मंडलियों को गिनने लगेंगे कितने हैं किसी को मालूम है क्या? हाउ मेनी चर्चेज वर एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी? कितने चर्च शुरू हुआ, कितने जिना नहीं? हाँ तो अगर आप गिनेंगे नाम, अगर मैं बोलूंगा यरूशलेम, अंतिया, फिलिपाई, थेसलोनिका, बेरिया, करिंथ, एथेंस, रोम, कोलोसिया, लौदिकिया, एफेसस, स्मिर्ना, पर्गमम, थायटिरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, वैसे पहले तो मैं काम उसका तीसरा और तीसरा अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 7 मंडलियों के नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, वहां पर 7 है। उसी ऐसे मंडलियों को गिनने लगेंगे 30 पार हो जाएंगे 30 चर्च। तो उनके जीवन में जब वो जिंदा थे उन्होंने बहुत सारे कलीसियाओं को मंडलियों को चर्चिस को उन्होंने शुरुआत किया।
आपने कितने शुरू किया? सवाल समझ में आ रहा? जब प्रेरित लोग जिंदा थे उन्होंने बहुत सारे चर्चेस उन्होंने शुरू किया, हमने कितने शुरू किया? मतलब मैं चार दीवारों को बना था छोड़ना है वो नहीं, कितने विश्वासियों को आपने लेकर आए, ठीक है? एक बात को हमको देखना है। और सारे मंडली का नाम मेरे पास आकर किसी को चाहिए आप मेरा स्क्रीन पे आकर फोटो ले सकते हैं, सारी मंडलियों का नाम मेरे पास है। और ये कैसे संभव हुआ, कैसे उन्होंने इतने सारे मंडलियों में मंडलियों को शुरू किया? और पेंतेकोस्त का दिन में जब पतरस पेत्र ने प्रचार किया, कितने लोग विश्वास किया? पहला सुसमाचार जब उन्होंने प्रचार किया कितने लोग विश्वास किया? 3,000 लोगों ने। आपकी कल्याण में कितने लोग विश्वास में आएंगे? हम लोग मुश्किल से मतलब 5 साल में एक मिलेगा और उसे के पीछे जीवन भर लगे रहते हैं। ये मेरे साथ हो रहा है, अपना बारे में बोल, एक विश्वास ही मिल जाता है फिर उसके पीछे लगे रहने, भाई दारू पीला छोड़ दो भाई, फिर छोड़ देता है, फिर दिखता फिर छोड़ देता, तो उसी को संभालने में हमारा जीवन चला जाता है। तो क्यों हम लोग ऐसे कमजोर हो गया, मंडलियों में उन्नति नहीं हो रहा है? जो 50 साल पहले वही अंकल आया, फिर उनका बच्चिया लोग आया, फिर उनका नात नाती आया, वो उतना ही है क्या? क्या मंडली बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो अगर बढ़ना चाहिए तो कैसे, क्या है? पहले शताब्दी के विश्वासियों के साथ उनके पास क्या था जो आज हमारे पास नहीं है? पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला? मिला है। अगर पवित्र आत्मा मिला है तो वो सामर्थ्य भी प्रभु ने दिया है, लेकिन देख क्यों नहीं रहा? ये समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग जब उनका ये देखते हैं, पहले प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8 पद को जरा पढ़िए। किसको मिला है जल्दी से पढ़िए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या मिलेगा तुमको? तो ये किसका सामर्थ्य है? इंसान का सामर्थ्य है क्या? नहीं, प्रभु का काम प्रभु के सामर्थ्य में आपको करना है, लेकिन मैं अपना ताकत से अपना बुद्धि से करने का कोशिश कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। हम लोग परमेश्वर का सामर्थ्य से नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि क्या शायद मैं पाप के डूबा हूं, या मैं संसार के चिंताओं में डूबा हूं, या मैं काम में व्यस्त हो गया जहाँ आपके प्रभु को समय देना चाहिए, मैं अपना काम में करने दे रहा हूं, इसके वजह से परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर दिख नहीं रहा है। तो प्रभु का काम अगर आपको करना है, प्रचार करना है, एक प्रचारक बनना है, इवेंजलिज्म अगर करना है, तो आपको परमेश्वर का सामर्थ्य के साथ करना है। तो चार्जिंग पॉइंट कहां पर है? ये सेमिनार और इवेंजलिज्म, ये आप चार्जिंग पॉइंट है। तो दादा ये आखिरी बार नहीं है ना? फर्स्ट टाइम, बट इट इज नॉट द लास्ट टाइम, इट विल कंटिन्यू। क्या ये चार्जिंग पॉइंट एक बार चार्ज करके बैटरी पे क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा, फिर सेमिनार में आना पड़ेगा, फिर सेवा संगति में रहना है, लगातार वो चार्जिंग जो है आपको मिलना चाहिए, नहीं तो एक बार चार्ज कर दिया फिर थोड़ा दिन बाद वो बैटरी डाउन हो जाएगा, फिर चार्जिंग करना जरूरी है, ठीक है? परमेश्वर का सामर्थ्य से करना है। फिर शिष्यों के बारे में तो लोग देखते हैं, शिष्य लोगों ने क्या किया था? मार्कुस 10:28 मार्क चैप्टर 10:28 क्या लिखा है वहां पर? प्रभु ने यीशु मसीह के शिष्य लोगों ने क्या किया? मतलब उससे कहने लगा, ये तो हम तो सब कुछ हो गए, तेरे पीछे भी ये है। किसी ने कहा,
मैं से सब कहता हूँ कि ऐसा चीज नहीं जिससे मेरे और मेरे और भी समाज के लिए चाहेगा समझो या बहन या माता या पिता या सब बच्चों या खेल कूद के लिए है। ठीक है, इन चीजों ने क्या किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं तभी को मैं छोड़ रहा सब कुछ, मतलब इन संसार की चीजों को उन्होंने छोड़ दिया। अभी ये विनोद ने अपना घर परिवार मतलब मणिपुर में छोड़कर वो यहाँ सेवा के लिए आया, ये भी ऐसा ही किया। तो क्या आप अपना देश अपना कुटुंब छोड़ने के लिए तैयार हो प्रभु के लिए? हमारा भाई राजेश मुंडा कहता है इट आर वेस्ट मोहर गांव इज द बेस्ट, उसके लिए वो जिस गांव में वो जन्म लिया बड़ा हुआ वह वही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन क्या आप उसको छोड़ने के लिए तैयार है प्रभु के लिए? प्रभु के लिए जरा अपने आप को ये सवाल करो और सोचो, प्रभु ने मुझे जिस गांव में रखा मुझे सब कुछ मालूम है, सब लोगों को मैं पहचानता हूँ कैसा क्या करना है कहाँ जाना है, उस गांव में मुझे जाता हूँ, लेकिन क्या मैं उस गांव को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? अगर प्रभु मुझे बोलेगा तुम इन गांव में जाकर रहने लगे और वहां पे जाकर क्या आप चुनने के लिए तैयार हो? या फिर मैं बस हाँ वहाँ आदिवासी है, मैं आदिवासी के पास ही जाऊंगा, मैं बंगाली के पास नहीं जाऊंगा, नेपाली के पास नहीं जाऊंगा, बस अपना ही जाति भाई मुंडा आएगा हाँ मुंडा को ही मैं सुनाऊंगा, बुलाओ के पास नहीं जाऊंगा, संतान के पास नहीं जाऊंगा, नहीं खाले अपना ही जात को निर्देश करना। क्या मैं तो कहता हूँ या मैं अलग अलग जाति के पास जाने के लिए तैयार हूँ? फिर जब मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूँ भगवान में रहते प्रभु ने आपको बोले पुरुषों को डॉक्टर से कांति पे आपको यहाँ लेकर आए, लेकिन अभी बंगाल में ही मैंने जन्म दिया, क्या मैं बंगाली को समाचार सुनाने के लिए तैयार होता है? अगर सोचेंगे बच्चे कम विश्वास लोग तीन लोग किस समाज के बीच में है लेकिन नेपाली में प्रभु का धन्यवाद हो वहाँ बहुत सारे विश्वास है, आदिवासी में भी प्रभु का धन्यवाद है कि बहुत सारे विश्वासी है, लेकिन क्या आप ऐसे जातियों के पास जाना चाहते हो जो आपका नफरत करते हैं, आपको छोटा करके देखते हैं, उनके पास भी जाकर सुसमाचार सुनाने का साहस है क्या आपके पास है क्या? तो वो साहस की कहां से मिलेगा, बोलेगा वो वो साहस केवल योगेश परमेश्वर आपको वो साहस दे सकता है। ठीक है, तो ये शिष्यों ने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए वो तैयार थे, और जब वो गए जब ये शिष्य लोग 12 शिष्य हाँ एक यहूदा इस्कारियोत तो मर गया, फिर उसके बदले में और एक उन्होंने स्थापित किया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने इच्छा से और एक व्यक्ति को चुना, वो था मेरे को काम नवा अध्याय में उस व्यक्ति का उद्धार होता है, क्या नाम है इसका क्या नाम है शाऊल, शाऊल कौसा नगर का था तार्शिश, तो बाद में शाऊल जो है पॉल करके हम लोग पुकारता है, शाऊल जो है इब्रानी नाम है, पॉल जो है यूनानी नाम है, दोनों नाम हमारे बाइबल में दिखा है। तो क्या प्रचार करते मुख्य विषय उनका प्रचार का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था कौन बता सकता है? भाई बता रहे थे हमको उनका प्रचार का केंद्र बिंदु क्या, मुख्य बातें क्या था? पॉल का प्रचार के बारे में भी जब हम देखते हैं, पॉल का प्रचार में 17वां अध्याय में भी जब हम देखते हैं पॉल का प्रचार यूनानी लोगों के सामने उन्होंने क्या प्रचार किया, पॉल का प्रचार जो है वो 13वां अध्याय में भी हम लोग देखते हैं वहां पर उन्होंने क्या प्रचार किया, 20 अध्याय में भी वो प्रचार करता है, 22 अध्याय में प्रचार करता है, पत्रस का प्रचार पीटर का जो पेंटेकोस्ट का दिन उसने क्या प्रचार किया, उन सब संदेशों को जब आप ध्यान से आप थोड़ा मनन करेंगे उनका केंद्र बिंदु क्या था, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ देयर सर्मन, जो संदेश जो प्रचार उन्होंने किया क्या प्रचार किया कौन बता सकता है?
What was the central point of their presentation of the gospel? बिल्कुल सही, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु। और हमारे बता रहे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, राजनीति के बारे में हम प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं। क्या चंगाई? हाँ, प्रभु चंगा कर सकता है, हमारा विश्वास पूरा विश्वास है, लेकिन वो मेरा केंद्र बिंदु नहीं है, उसी के ऊपर मैं लटक के नहीं रहूंगा। जब तक क्रूस का प्रचार नहीं होगा तब तक मेरा सुसमाचार क्या है? अधूरा है। और इसलिए हमारा प्रचारों में कोई क्या है, ताकत नहीं। क्रूस के बारे में बताता ही नहीं है क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मरने का जरूरत क्या था, और परमेश्वर का सामर्थ्य हम कहां देखते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो सामर्थ्य है। अरे भाई, अपने गांव में देखो, हजार लोग मर गए, और जो हजार लोग मर गए उनकी खबर क्या आपको मिलेगा? उनका खड़ा हुआ हड्डी अर्थ मिलेगा? उनमें से कोई दुबारा जी उठा गया? कब्रिस्तान में आप जाओ, कोई दोबारा आया उस कब्रिस्तान से उतर नहीं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठा, और उसी प्रचार में परमेश्वर का सामर्थ्य को हम देखते हैं। और इस बात का अंदाज, इस बात का जो समझ जो है हमको आना चाहिए, वो समझ केवल परमेश्वर दे सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रेरितों का काम 4:33, एक्ट चैप्टर 4:33। बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का गवाही देते थे। प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का गवाही दे, सच में प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठा, मरा गाड़ा गया, लेकिन वो दोबारा जी उठना। तो जब हम प्रचार करते हैं उसको हमेशा याद करके प्रचार करना है। और परमेश्वर जब आशीर्वाद देता आपका प्रचार में, जैसे पतरस का प्रचार में 3,000 लोग उद्धार पाया, पौलुस का प्रचार में बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं, और खास करके जब हम 17वां अध्याय को देखते हैं तो वहां एथेंस में वो प्रचार करता है, बहुत ही बुद्धिमान लोगों के बीच में वो प्रचार करता है, वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का उद्धार होता है। तो परमेश्वर जब लोगों को उद्धार देता है तो उनका उनके साथ क्या करना है? ठीक है, उद्धार मिला, किसी व्यक्ति का उद्धार हुआ तो क्या हो जाता है उनका, क्या करना चाहिए उनका? एक व्यक्ति का जब उद्धार होता है तो कहां लेकर जाएंगे आप उनको? चर्च में। कहां लेकर जाएंगे आप उनको? चर्च में लेकर जाएंगे। तो चर्च है क्या, हम लोग इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को गलत फहमी होता है। चर्च का मतलब सिर्फ ये 4 दीवारें, ऊपर में क्रूस होगा तो वही चर्च है। लेकिन उदाहरण के लिए प्रेरितों का काम 2:47, वहां पर क्या है, जब लोगों का उद्धार हुआ तो किसमें मिल गया, वो तरह पढ़िए। और छाते छाते स्तुति करते थे, और सब लोगों उनसे प्रसन्न थे, और जो उत्तर पाते थे उनको प्रभु पते थे उनमें मिला देता था। अभी मिलने में वहां पे क्लियर नहीं है, वहां पर उनमें मिला देता था, किसमें मिला देता था? इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे, केजे भी बाइबल अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, they were added to the church, इसमें मिला देते थे चर्च में। वो सादरी बाइबल, किसी के पास सादरी बाइबल है? आप लोग थोड़ा सादरी बाइबल भी रखना चाहिए। सब लोग आदिवासी है ना यहाँ पर, तो आदिवासी बाइबल सादरी बाइबल कौन पढ़ेगा? नेपाली पढ़ेगा क्या? बंगाली पढ़ेगा क्या? मणिपुरी पढ़ेगा क्या? कौन पढ़ेगा? रखी है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं वहाँ एक जयगांव के पास में एक गांव है,
तो वहां पर एक पास्टर है जिन्होंने सादरी बाइबल को ट्रांसलेट किया, उसका नाम अभी साधुलाल, साधुलाल जी बिल्कुल सही। तो साधुलाल व्यक्ति के पास है 100 बाइबल खरीदने के लिए में गया था, उन्होंने हमको दे दिया। तो वो मजा में वहां पर जा रहा था, वो बड़ा असर चलो फिर मैं आप एक बात बता देता हूँ बोले बात कर। तो मैंने बोला देखो आप ये सादरी बाइबल लेकर जा रहे हैं, एक 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 प्रॉमिस मुझे कीजिए, आप जब भी पास्टरों के साथ बात करते हैं ना, आप थोड़ा उनको बोलो सादरी बाइबल पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये आदिवासी जो है वो सिर्फ हिंदी पढ़ता है और सादरी भूल जाता है, आदत हो गया उनको सिर्फ हिंदी 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 हिंदी, और सादरी बाइबल ऐसा है झूला पड़ा है। तो प्लीज आप अपना भाषा का सम्मान रखिए और सादरी बाइबल भी पढ़िए। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है? और सादरी भाषा का उन्नति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सादरी स्कूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, हिंदी मीडियम स्कूल, बांग्ला मीडियम स्कूल, नेपाली मीडियम स्कूल है, लेकिन काश्मीर मीडियम स्कूल है क्या? नहीं है। कौन करेगा, कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो वहां पर वो एक शब्द है सम्मेलन, हाँ सम्मेलन, ठीक है? और दूसरा बाइबल में जब हम देखते हैं एक जूता या उसको सभा बोला गया, बांग्ला में मुंडली, और उर्दू में, उर्दू का शब्द जो है चर्च के लिए मैं जब जो पर बोल रहा हूँ उर्दू में, वहां पर हम लोग जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय और 47 पद को पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लिखा है कि और जो नजात पाते थे उनको खुदावंत हर रोज जमात में मिला देता था, जमात में मिला देता, मतलब जमे हुए लोगों में मिला देता। अभी कहां पर वो जमे हुए हैं? किसी के घर में, या किसी के पेड़ के नीचे, या घर चार दीवार ये बिल्डिंग है। देखो जमने का जगह कहीं पर भी हो सकता है। और जब विश्वासियों को सताया गया, रोम सरकार ने जब क्रिश्चियनों का अत्याचार करना शुरू किया, जब वो भागने लगे तो वो सुसमाचार लेकर भागने लगे और घर घर में वो जाकर प्रार्थना करने लगे। किसी बंद कमरे में वो लोग इकट्ठे होते और वो बंद कमरा क्या बन गया? जब वो लोग प्रार्थना करते थे, प्रवेश मसीह को याद करते थे, प्रार्थना करते थे, वो बंद कमरा क्या बन जाता था? चर्च। तो चर्च क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी। जब तक हम लोग इन बातों को समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा प्रचार भी अधूरा हो जाएगा। और उनको कहां पर मिलाएंगे? अगर हम उद्धार हो गया कहां पर लेकर आएंगे? हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है, चर्च बिल्डिंग बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया यहाँ पर एक ऐसा है। लेकिन कल आप सीधी गांव में जाएंगे प्रचार करने के लिए तो शायद आपको एक झोपड़ी के नीचे वहां पर आपको सेवा करना पड़ेगा, या पेड़ के नीचे, या जो गुरु घर उसमें आपको बैठना पड़ेगा, वो एक सेवा का घर बन सकता है, ठीक है? और ये मंडली का शुरुआत जो है पुराना नियम, ये चर्च को हम पुराने नियम में देखते हैं क्या? कहीं पर है? किसने यहाँ पर पूरा बाइबल पढ़ लिया? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, आज तक कितने लोग पूरा बाइबल पढ़ा? एक भी नहीं, एक दो बार पढ़ा। विश्वासी लोग पढ़ो, ठीक है? अगर पढ़ना नहीं आता है तो वो एक सादरी ऑडियो बाइबल की है, वो साधुलाल ने हमको ऐप भी डाउनलोड करके दिखा है, वो ऐप मैं आपको दिखा सकता हूँ। विश्वास को अगर बढ़ाना है तो वचन को क्या करना है? विश्वास अगर बढ़ाना है क्या करना है? वचन को। लेकिन आप बोलेंगे हमको पढ़ना नहीं आता है, हम तो अनुभूति प्राप्त कर रहा है, पढ़ना नहीं आता, तो क्या करें? क्या करना है? विश्वास अगर बढ़ाना है तो वचन को सुनना है, सुनना है। तो अगर
मोबाइल स्मार्ट ऐप ये स्मार्टफोन नहीं है तो कोई बच्चा तो होगा ना जो स्कूल जाता है, तो उससे आप पढ़ो भाई तो तब आपका विश्वास बढ़ सकता है। तो मैं पुराना नियम में कहीं पर भी चर्च नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 16 अध्याय 18 पद में बोला कि मैं इस कलीसिया को बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया या चर्च का वो मुखिया, ही इज द हेड ऑफ द चर्च। और हम लोग उस कलीसिया का क्या है, एक अंग है, जैसा ये शरीर है, ये शरीर है उस कलीसिया का, मैं एक अंग हूं, मैं क्या है, और परमेश्वर मेरा उपयोग करना चाहता है, और जो मेरे पास है वो प्रभु का है। अगर प्रभु ने मुझे पैसा दिया मैं प्रभु को वो दे सकता हूँ, अगर प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया वो बुद्धि का इस्तेमाल प्रभु का काम देने लग सकता हूँ, अगर प्रभु ने मुझे बोलने का एक ये दिया है मतलब गिफ्ट दिया है तो मैं प्रचार कर सकता हूँ, अगर प्रभु ने मुझे गाना गाने का एक गिफ्ट दिया है तो प्रभु के लिए मैं क्या करूंगा, गाना गाऊंगा। एक समय था मैं जब बेंगलोर में काम करता था तो मेटालिका का गाना मैं बहुत सुनता था, मुझे बहुत पसंद है मेटालिका का, मतलब रॉक म्यूजिक। और फिर हमारे कंपनी में एक शो हुआ, मैं एक विश्वासी हूँ और मैं गिटार बजाता हूँ, तो मेरा जो टीम लीडर है वो बहुत अच्छा रॉक सिंगर है, गायक था, बहुत गाता था, तो रॉक गाने जो होते हैं ना ऐसा वो गाता था और मैं गिटार बजाता था, और उसने जैसा गाया पूरा कंपनी मेरा हजारों लोग है उसने उन सबको नचा है और मैं गिटार बजा रहा हूँ। रात को मैं बता रहे मैंने क्या किया, मैंने प्रभु के लिए गाना गाया, गीत गाया क्या, या शैतान के लिए? तो मैं पता रहा था, मैंने क्यों, प्रभु ने मुझे दान दिया गिटार बजाने का टैलेंट मुझे दिया, लेकिन मैं शैतान के लिए उसका उपयोग कर रहा। तो तब मैंने वादा किया, प्रभु मैं दोबारा कभी किसी शैतान का गाने के लिए मैं बजाऊंगा नहीं, मैं जब गाऊंगा तेरे प्रभु का ही गीत मैं गाऊंगा। और तब प्रभु और भी आशीर्वाद देता और भी मौका देता, और आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मंगलवार और शुक्रवार को हम दोनों भाई नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र फिलिपकुंज में बहुत सारे हैं, तो वहां पर दोनों भाई फिलिप अच्छा गिटार बजाते जैसे यहाँ उन्होंने जो उन्होंने गाना गया, नशा मुक्ति केंद्र में जाकर वो एकदम तो पूरा दिन से वो गाते हैं और वो उनका गाना सुन के उनके दिलों में प्रभु निश्चय कुछ ना कुछ कार्य कर। अगर प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है वो टैलेंट का उपयोग प्रभु के लिए कीजिए और वहां से प्रभु आपको एक क्या बनेगा, एक गवाही बनेगा। और जब लोग पूछा भाई आप क्यों करते हैं, तब आप यीशु मसीह का प्रचार वहां पर कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को कैसे उन्होंने इस कलीसिया को खरीदा, क्या दाम देकर परमेश्वर ने इस कलीसिया अभी एक बिल्डिंग, हमने ये भी देखा कि चर्च जो है एक बिल्डिंग है, पहला हमने इफिसियों का दूसरा अध्याय में हमने देखा है, परमेश्वर का भवन जो है एक पवित्र मंदिर है, एक बिल्डिंग है। तो अगर आपको एक बिल्डिंग खरीदना है तो विनोद ब्रदर को सिलीगुड़ी में एक 10 तला इमारत उनको खरीदना है, कितना पैसा लगेगा उनको, 10 तला इमारत उनको खरीदना है, संभव है, प्रभु अगर फायदा करेगा एक हो सकता है। अगर 10 तला इमारत उनको खरीदना कितना पैसा देना पड़ेगा उनको, अंदर क्या कितना पैसा दे दो करोड़ों के ऊपर, किसके पास करोड़ रुपए है, मेरे पास तो देंगे बिना उतरा 10 कला। तो अगर प्रोगेसी मसी कर मैं अपना भविष्य को बनाऊंगा तो क्या दाम देकर प्रभु ने उस इमारत को खरीदा, क्या तू बना रहा कितना पैसा देंगे, मालूम है कितना, कितना बगल
प्रभु का धाम देखो, प्रभु का धाम, प्रभु ऐसी मस्जिद है अपना लहू जो कलवरी क्रूस पर उन्होंने बहाया किसके लिए, मेरे जैसे पापी के लिए, और मेरे जो पाप किया है अगर आपको स्क्रीन पे देखेगा नहीं आप वहां का नाम है यहाँ प्रभु का नहीं, मेरे जैसा पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून कलवरी क्रूस पर बहाया मुझे बचाने के लिए, मुझे उस नरक से बचाने के लिए। तो इसको समझ मुझे आना चाहिए कि मैं कितना महंगा चीज प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया, उसने दे दिया 10 करोड़ों से भी ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया इस इमारत को बनाने के लिए, और प्रियजन आप सब उस इमारत बनाने में क्या है एक दांत है, इस इमारत बनाने का क्या है जिम्मेदारी आपको दिया है, उस इमारत में एक पत्थर लगाना है, कौन करेगा, प्रभु ने तुम्हें एक इमारत बनाना और वो आपको बोला आप काम भी नहीं करेंगे, आप काम करने के लिए तैयार हो ही नहीं हो, बगान का मालिक बुलाता है हम जाते हैं बारिश में भी पत्ते उठाने के लिए, ठंड में भी हम जाते हैं, गर्मी में भी हम जाते हैं, लेकिन सेवा में आने के लिए आज बारिश हम नहीं जाएगा, आज बहुत ठंड है हम नहीं जाएगा, आज बहुत गर्मी हम नहीं होगी, तो प्रभु का सामर्थ्य और सामर्थ्य दिखाई देगा क्या हमारे द्वारा नहीं, तो प्रभु के लिए अगर काम करने के लिए तैयार हो कीमत भी आपको चुका था, और प्रभु हमको वो सामर्थ्य देगा वो काम को पूरा करने के लिए, प्रभु हमको सामर्थ्य देगा, और प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है वो तो हमको पता है, कितना प्रेम करता है कि यहाँ कितने दस शादी किया है हाथ ऊपर कीजिए, बहुत अच्छा भाई लोग, क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, महिला आप लोग अपने पति से प्रेम करते हो या नहीं करते हो, कितना प्रेम करते हो भाई आप अपने पत्नी से कितना प्रेम करते हो, बहुत ज्यादा प्यार, आप मरने के लिए तैयार हो गए नहीं, कृष्णा क्या आप अपने पत्नी के लिए मरने के लिए तैयार हो, प्रेम ऐसा होना चाहिए, अगर आपका पत्नी को कोई आकर अत्याचार करेगा आप इसको रोकेगा नहीं रोकोगे, ऐसा होना चाहिए मैं आपका पत्नी के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम हमको दिखाया, दिखाया हमको, और वो हमारे लिए वो क्रूस पर मरा, और ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का क्या है देवी का, ये मंडली जो है प्रभु यीशु मसीह का क्या है, क्या शब्द है, दूरी दूरी, और हमारा स्वामी हमारे लिए क्रूस पर मरा, अगर वो हमारे लिए मरने के लिए तैयार है क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो, अगर नहीं हो तो ये विश्वासी जीवन आपका नहीं है, नहीं है, मैं सच में बता रहा हूं, अगर आप प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार नहीं हो तो आपका विश्वास जो है अधूरा है, तो यीशु मसीह ने हमारी सब कुछ दे दिया, ऐसा नहीं कि आपको अपनी मरना है नहीं, लेकिन अगर सुसमाचार सुनाने के लिए आपको दूर देश में जाना ऐसे जगह में जाना जो आपका विरोध करता है, तो कभी 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 हर बार नहीं, कभी कभी यदि मणिपुर में हो रहा है या कहीं पाकिस्तान में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है या चाइना में हो रहा है, विश्वासियों को अपने विश्वास के लिए प्रेरित होना पड़ता, तो ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी आना चाहिए, ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्रेम करता है, ये लव द गॉड, ये रिश्ता जो है विश्वासी जीवन ये एक प्रेम का रिश्ता है, नियम कानून का नहीं है, और झूठी बातें बहुत सारे चर्चे जो है वो नियम कानून बनता है, ये मत करो वो मत करो ऐसा मत करो वैसा मत करो ये कपड़े मत पहनो वो मत पहनो, ये एक नियम कानून का एक बन जाता है, नहीं हमारा यीशु या परमेश्वर के साथ एक प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है,
और गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारा? है तो उसके ऐसा बारिश हो कि आप मिलने के लिए खाए हो तो बोले आओ जाएगा वैसे ही प्रेम का रिश्ता है जब सेवा में बुलाया है प्रभु को से बुला नहीं जाओ ना मुझे प्रभु ऐसी मस्जिद में क्या है प्रेम है आपको प्रभु की मस्जिद में प्रेम है तो अगर प्रभु ऐसी मस्जिद में प्रेम है तो मैं सेवा में जाऊंगा मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा चाहे कुछ भी होंगे तो और जब इस प्रकार का विश्वासी जीवन मेरे अंदर है तब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके द्वारा दिखने लगेगा तब आत्माएं बसने लगेंगे तब लोग आपके पास आएंगे जब समस्या उनके जीवन में है मुझे बहुत खुश लगता है जब कोई बहुत संकट में मुझे कॉल करते हैं मदद की जरूरत है मेरे पास है भक्ति के द्वारा मैं आओ ना क्यों मुझे कॉल कर रहा है क्यों मुझे कॉल करेगा मदद मिलेगा तो जब वो आपको कॉल कर रहे हैं मदद करना तो उनके नजर में आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति हो और जब आप उनको सुसमाचार भी सुनाएंगे वो आपका बात और सुनेगा हाँ यह आदमी जो है हाँ का आदमी है हमेशा सच बोलता है संकट के समय में वो आया मुझे मदद करने के लिए और जो कुछ भी वो बोल रहा है वो सच्ची होगा और जब आप उनको समाचार सुनाएंगे कान उनके खुलेंगे जब आपने उनको मदद किया है उनके संकट के समय में आप वहां पर उपस्थित थे आपने उनको मदद किया और जब आपने सुसमाचार सुनाया तो वो सुनेंगे और अगर प्रार्थना में आप लगे रहेंगे उनके लिए तो निश्चय होगा उद्धार भी होगा तो मदद करना है प्रार्थना करना है और आपका जीवन जो है एक गवाही बनना है जब तक आपका जीवन में कुछ सच्चाई दिखेगा नहीं कभी आपको फोन करके बोलेगा नहीं मरे हाँ बहन तो आगे मुझे मदद की नहीं जब उन्होंने देखा कि कुछ सही है आपका जीवन में कुछ अच्छा आपका जीवन में तभी वो आपको कॉल करेगा ठीक है तो और कितना टाइम है ब्रदर हो गया और दो मिनट में लेकर मैं दो मिनट ही बोलकर मैं समाप्त करूंगा अभी चर्च किसका है कोई बोलेगा वो ब्रदर का पास्टर का ये चर्च हाँ प्रभु ने उनको रखा सिर्फ पास्टर करके उनको रखा लेकिन कोई बोलता है नहीं बैप्टिस्ट का है कोई बोलता है नहीं पेंटिकॉस्ट का है कोई बोलेगा नहीं ये नहीं का है कोई बोलेगा नहीं दूसरा अलग फैलाना है लेकिन ये है किसका मालिक कौन है कौन है प्रभु यीशु मसीह हमारा मालिक है बाहर बाहर में बोर्ड कुछ अलग हो सकता है लेकिन मालिक कौन है प्रभु यीशु मसीह और हमको एक 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 लास्ट पद पढ़िए रोमी 8 अध्याय और 30 पद यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं रोमी 8 अध्याय और 30 पद फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें निंदा भी की है ठीक है हमको बुलाया गया है अभी पास्टर ने बुलाया ब्रदर विनोद ने बुलाया है ठीक है लेकिन ये बुलावट उनका नहीं है किसका बुलावट है प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया आपको इस बुलावट को आपने सुना और उस बुलावट के अनुसार आप अपना कार्य को करेंगे इंसान का बुलावट नहीं है इस बात को याद रखना और जब आपने प्रभु यीशु मसीह का बुलावट को सुना प्रभु यीशु मसीह आपका सम्मान करेगा प्रभु यीशु मसीह आपका कार्य में आशीर्वाद देगा प्रभु यीशु मसीह आपको जो जरूरी चीज है आपका जीवन को जीने के लिए जो दरकार है जो जरूरी है वो आपको वो दे देगा ठीक है और कार्य में आपको आशीर्वाद देगा ठीक है मैं यहीं पर अभी समाप्त हो गया समाप्त करता हूँ मेरा समय समाप्त हो गया सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय मसीह